नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत को कुछ नहीं बस एक बम चाहिए, ये किसका मैसेज है और ये कहना क्या चाहते हैं? दरअसल तारीख थी 13 दिसंबर, साल 2001, जगह लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन। तब आतंकियों ने इस मंदिर को गोलियों से, हैंड ग्रेनेड सहित कई हथियारों से हमला कर दिया था। जैसे ही रेडियो और टेलीविजन पर यह खबर आई, हर भारतीय दंग रह गया था। देश की राजधानी दिल्ली स्थित संसद में आतंकी हमला हो गया। हर शख्स किसी से भी मिलता, उसकी बातचीत होती, उसके जुबान में सिर्फ और सिर्फ यही लाइन थी, और हर इंसान के चेहरे पर, माथे पर चिंता की लकीरें साफ छलक रही थी। फिक्र इस बात की थी कि अगर देश की संसद ही महफूज नहीं है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का क्या हाल होगा। धीरे धीरे ये तारीख यादों से ओझल होने लगी। कैलेंडर में जब भी 13 दिसंबर की तारीख आती थी, जाहिर है 22 साल पुरानी तारीख खुद ब खुद वो जहन में लौट आती थी। मगर एक दिन पहले फिर से 13 दिसंबर था, मगर साल 2023 था और संसद भी नई थी। लोकसभा की कार्रवाई के ही दौरान दो युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सदन के भीतर घुस गए। दोनों दर्शक दीर्घा से कूदे थे, उन्होंने स्प्रे से सदन में धुआं फैला दिया था। इस घटनाक्रम से लोकसभा में अफरा तफरी मच गई। संसद में 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा चूक में 6 आरोपियों का नाम सामने आया है। आरोपी ललित झा अभी तक फरार चल रहा है। घटना के वक्त ललित भी संसद परिसर पे ही मौजूद था। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, आरोपी ललित वहां से भाग गया। ललित ही इस कांड का पूरा का पूरा मास्टर माइंड बताया जा रहा है। देश की संसद में अफरा तफरी मचाकर दुनिया भर का ध्यान खींचने में सफल रहे युवकों को एक समूह के बारे में जानकारी है। जैसे जैसे बाहर आ रही है, वैसे वैसे हैरानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में गदर काटने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन डी के साथ साथ संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे अमोल और नीलम से प्रारंभिक पूछताछ में होश उड़ाने वाली बातें सामने आई है। पता चला है कि देश की संसद में घुसकर कथित क्रांति करने की एक साजिश एक साल पहले से चल रही थी। इन षड्यंत्रकारियों के पास में एक हैंडलर का भी पता चला है, जिसका नाम है ललित झा। इसने अपने इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट डाला था, भारत को कुछ चाहिए है तो वह है एक बम। इससे अंदाजा आप लगाया जा सकता है कि अपने ही देश और देशवासियों के खिलाफ कितना जहर भरा है ललित झा जैसे इन लोगों में। खैर, आइए जानते हैं कि ललित झा की अगुवाई में सिरपुरों की टीम ने से कैसे साल भर तक साजिश रची। संसद को अफरा तफरी की नियत का निशाना बनाने के लिए इन्होंने कब कब रेकी की, फिर कैसे देश के 4 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में दिल्ली पहुंचकर इन षड्यंत्रकारियों ने आखिरी इंतजाम किया और साजिश को अंजाम तक यहां पर पहुंचा दिया। 34 साल का मनोरंजन डी कर्नाटक का रहने वाला है। उसने जुलाई अगस्त में एक विजिटर पास पर लोकसभा का दौरा किया था। लखनऊ निवासी अपने साथी सागर शर्मा के साथ वो लोकसभा में तभी दबोच लिया गया जब दोनों गैलरी में कूदे और लाल और पीले रंग का धुआं छोड़ने वाले गैस कैनिस्टर को खोल दिया था। गिरफ्तार किए गए दो अन्य लोगों में हरियाणा की नीलम कौर उर्फ नीलम आजाद है, जिनकी आयु 37 साल है, जबकि 22 वर्ष के अमोल शिंदे महाराष्ट्र का रहने वाले हैं। नीलम 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी खूब सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन सब का हैंडलर ललित झा बिहार का रहने वाला है। उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में खुद को टीचर बताया है। वहीं इस समूह का एक और बंदा है विक्रम उर्फ विक्की, ये जो गुड़गांव का रहने वाला है। ये तो हुए सिरफिरे समूह के एक एक सदस्य का परिचय। ध्यान रहे कि ये किरदार वो हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, लेकिन पर्दे के पीछे और कितने जहरीलों की फौज है, यह धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी तब और ज्यादा नाम सामने आएंगे। बहरहाल अब हम जानते हैं कि इनकी मिली भगत और षड्यंत्र की पूरी कहानी क्या है। ये सिरफिरे फेसबुक ग्रुप भगत सिंह फैन क्लब के हिस्सा हैं। इनके बीच में फोन से बातचीत हुई, कॉल डिटेल के विश्लेषण और उनकी शुरुआती पूछताछ से पता चला है कि आरोपी लगभग एक साल से दूसरे के संपर्क में थे। कुछ महीने पहले मैसूर में ये मिले भी थे और आरोपियों के कम से कम एक बजट सत्र के दौरान संसद भवन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया था। सूत्रों ने बताया कि तब उन्होंने पता चला था कि सुरक्षा कर्मी जो है आने वाले लोगों का जूते उतारने या उनकी जांच नहीं करते। बस क्या था, बना ली गई संसद में गदर मचाकर देश और दुनिया को दहलाने की साजिश। जब प्लानिंग को अंजाम देने का फैसला हुआ
तो सभी ने एक जगह जुटने की ठानी। तब यह हुआ कि विक्की के घर पर मिला जाए। सागर शर्मा 10 दिसंबर को लखनऊ से दिल्ली पहुंचा। महाराष्ट्र के अमोल शिंदे और हिसार से नीलम कौर भी आ गए। वो सभी एक मेट्रो स्टेशन पर मिले, अपने सहयोगी विक्रम और विक्की के गुरुग्राम स्थित घर पर गए। नई दिल्ली के एक अधिकारी ने बताया कि उनके साथ मनोरंजन डीप शामिल हुए, जिन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, और मुख्य साजिशकर्ता ललित झा सुबह के वक्त शामिल हुए। वो सभी सोमवार को दिल्ली आए। सागर ने बुधवार सुबह सांसद प्रताप सिन्हा के सचिव के लिए पास के लिए कुछ भारतीय झंडे खरीदे और इंडिया गेट पर अन्य लोगों से मिले। अमोल ने प्रत्येक सदस्य को एक स्मोक कनेस्टर दिया। दोपहर 12 बजे दो लोग संसद के अंदर गए, जबकि तीन लोग बाहर रखा गया। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि लखनऊ का रहने वाला सागर एक ई रिक्शा चलाता है। वह साझी कड़ी था जो फोन और सोशल मीडिया पर सभी आरोपियों के संपर्क में था। नीलम, विक्रम और उसकी पत्नी के संपर्क में भी होता और उन्हें समूह में शामिल कर लिया गया। विक्रम गुड़गांव के सेक्टर 7 में रहता था, उसने बाकी लोगों को ठहराया था। पुलिस को यह भी शक है कि वह एक फौजी गिरोह से जुड़ा भी हुआ है और इसी सिलसिले को लेकर पूछताछ फिलहाल जो उससे की जा रही है। संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन जब इसकी साजिश सफल रही तो ललित ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी अपलोड किया। इस वीडियो में नीलम को संसद के बाहर धुआं छोड़ते हुए और नारे लगाते हुए दिखाया गया। उसके आखिरी में इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, What India needs is a bomb। उसने कथित तौर पर बाहर से घुसपैठ का संचालन किया और वीडियो बनाकर अपने एक पार्टनर को भेजा जो कि एक एनजीओ चलाता है। फिलहाल जांच चल रही है। सरकार ने एक जांच समिति की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर होम मिनिस्ट्री ने एक जांच का आदेश दिया है। जांच समिति का गठन सीआरपीएफ के डीजी अनिश दयाल सिंह के नेतृत्व में अन्य सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों के सदस्यों के साथ किया गया है। इनके खिलाफ यूएपीए की लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि संसद पर कथित हमले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई करते चार लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 452 यानी कि अतिक्रमण, 153 दंगा भड़काने के इरादे, जानबूझकर उकसाना, 186 लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना, 353 लोक सेवक को कर्वाहन निर्वहन को रोकने के लिए हमला और भी तमाम आईपीसी की धाराओं के तहत इन लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जिस तरह से इसका पूरा एक के एक दर पलट खुलासे होते जा रहे हैं, वहीं पे संसद भवन की सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार संसद भवन की जो सुरक्षा है उस पर ये सेंध लगाने में कैसे कामयाब हो गए, जबकि ये एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल क्रिमिनल, गैंगस्टर या टेररिस्ट नहीं थे। इनके पास में उतने बड़े साधन नहीं थे। अगर ये आसानी से दर्शक गिरगा तक पहुंचने के बाद में और संसद भवन के अंदर दाखिल होने की हिम्मत रखते हैं, तो अगर कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक या कोई टेररिस्ट इस तरह की साजिश रच सकता है, फिलहाल उसके लिए गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी हो चुकी है। अलग अलग गेटों से अलग अलग निकास की भी सूचना आ गई है कि गज द्वार से कौन जाएगा, अश्व द्वार से कौन जाएगा, इसी तरह तमाम अलग अलग गेट है। अब ये सब सुरक्षा में व्यवस्था में संसद की और भी नए नए नियम यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं।